आइडियाज क्या रहेंगे, क्या पिक कर रहे हैं आप? विरन जी, थोड़ा सा हटकर फार्मा सेक्टर से मुझे डीवीज लैब अच्छा लग रहा है। इसमें काफी टाइट कंप्रेशन है जो कि स्लोली अपवर्ड की तरफ रिजॉल्व हो रहा है। स्टॉक अपने मेजर 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट इसका हर्डल 200 एमा के आसपास है, मुझे लगता है स्टॉक वहां जा रहा है। 3288 इसका प्राइस है, बाय करें। टारगेट रहेगा 3350 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3250 का। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, इनफैक्ट कल भी रिकमेंड किया था, दैट इज पिडलाइट। पिडलाइट में एक अपमूव बाकी है क्योंकि पिडलाइट ने एक बॉक्स ब्रेकआउट दिया अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर। 2474 इसका प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 2520 रुपए के और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2450 का। पिडलाइट और डिवीज लैब्स, ये समय की दो पिक्स अमित की तरफ से। राजेश जी, फ्रेश ट्रेड्स आपके इस समय के? मुझे देखिए नजर है रिलायंस पे। रिलायंस ने जिस तरह से पिछले 3 दिनों का हाई निकाला है, वो भी अर्ली ट्रेड में, तो लगता है एक नजर मैं आज इस पे रखूंगा। मेरे हिसाब से आज यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिलेगा जिसका टारगेट रहेगा करीबन 2510 से लेके 2520 का, तो यहाँ पे बाय करना है रिलायंस। आपका स्टॉप लॉस होगा 2440 का। दूसरा बाय कॉल रहेगा मेट्रोपोलिस। देखिए आज बहुत दिनों के बाद आज मेट्रोपोलिस में कुछ मूवमेंट है, तो ये स्विंग ट्रेड जो देता है मेट्रोपोलिस वो एक ही दिन देता है लेकिन अच्छा देता है, तो मैं डेफिनेटली आज मेट्रोपोलिस पे एक बेट लेना चाहूंगा जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1260 का, 1260 का, यस। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 1340 का, तो करंट लेवल से 50 रुपीज का मूव मुझे लगता है मेट्रोपोलिस में आना चाहिए। देखिए निफ्टी खुला 18,100। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।